आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों। संवाददाता सोनू कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं केमास न्यूज। इस समय उपस्थित है आजमगढ़ जिले के माहौल नगर पंचायत में डरिया के वीरेंद्र मार साहब हैं। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं विशेष शिक्षक हूँ और डढ़िया का रहने वाला हूँ। बाबा साहब को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी जो है मीडिया को जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है अपने चैनल पर मुझे बोलने का जो है ये अवसर दिया है। तो जो आपने प्रश्न देखा है कि बाबा साहब को क्यों मानना जरूरी है, तो बाबा साहब को इसलिए मानना जरूरी है कि बाबा साहब ने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किए हैं। उस संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो है उनके हक अधिकार को जो है दर्शाया गया है। तो यदि हम बाबा साहब को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो भारतीय संविधान थोड़ा सा हमसे दूर चला जाएगा, जिसमें हमारे उस संविधान में वर्णित जितने हमारे अधिकार हैं उस पर जो है जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं वो उस पर जो है कुठाराघात कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जिससे हमारा और हमारे भविष्य के बच्चों का सबका नुकसान हो जाएगा जो है। इसलिए बाबा साहब को मानना बहुत जरूरी है। संविधान बनाने में प्ररूप समिति में कितने सदस्य थे? देखिए, जब संविधान बनाने की बात आई जो है, तो संविधान बनाने में जो है जो समिति का गठन किया गया वो सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया, वो प्रारूप समिति का नाम दिया गया। संविधान की मतलब वो प्रारूप तैयार करने के लिए, जिसमें बाबा साहब प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे जो है, और उस प्रारूप समिति में जो है वे सदस्य तो थे सात, लेकिन जब भारतीय संविधान बनाने की बात आई जो है तो उसमें कुछ सदस्यों ने कहा कि हम असमर्थ हैं, हमको ज्ञान की कमी है, हम नहीं इसमें काम कर पाएंगे। कुछ लोगों ने बहाना किया कि हमारी तबीयत खराब है, जिसमें सारा का सारा जो है जिम्मेदारी बाबा साहब पर आ गई और बाबा साहब जो है अपनी अध्यक्षता में और स्वयं खुद जो है भारतीय संविधान का निर्माण किए जो है। हिंदू कोड बिल क्या है? अब हिंदू कोड बिल की बात है तो हिंदू कोड बिल एक विधायक है, एक कानून था। बाबा साहब जब भारत सरकार में जो है कानून मंत्री थे तो महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, महिला को समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नामक विधेयक को जो है संसद में लाए थे जो है कि महिला को जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार मिले, महिला को भी मिले जो है। हाँ, हिंदू कोड बिल के जो आप बताए हैं उसकी विशेषता क्या है? उसकी हिंदू कोड बिल की विशेषता बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको जो है आज की जो है समाज में जो कुछ चल रहा है जी ट्रेंड उस पर ले जाना चाहते हैं। आप ही आपने देखा था जो है एक रामचरित मानस पर विवाद हुआ था जो है कि उनका नाम से शुद्ध गंवार ढोल पर सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी और उसमें भी था कि नारी शुद्रो नाधिता, मतलब नारी को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए और बहुत सारी चीजें थी जो है कि का नाम से नारी को केवल उपभोग की वस्तु समझा गया था। तो बाबा साहब ने ये बाबा साहब राष्ट्र के विकास के लिए ऐसा नहीं महिला बाबा साहब ने राष्ट्र के विकास के लिए ये सोचा कि अगर महिलाओं को जो है पुरुष की तरीके से अधिकार हो जाएगा पढ़ने का, लिखने का, नौकरी करने का, धन कमाने का, गृहस्थी चलाने का, तो पति पत्नी मिलकर के जो है धनोपार्जन करेंगे तो का नाम से देश का देश जो है आगे जाएगा, देश मजबूत होगा जो है। तो बाबा साहब ने जो उसमें हिंदू कोड बिल की विशेषता जो आपने पूछा है उसमें ये चीजें निकल करके आती हैं कि बाबा साहब ने ये पुरुष की तरीके से समान नौकरी में उनको अधिकार दिया है, ठीक ना। नौकरी के समय अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसमें बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है कि कारण से उनको प्रेगनेंसी में जो छुट्टी मिलेगी उसमें उनकी उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। ये मुख्य विशेषता है जो है कि उनको छुट्टी मिल जाएगी प्रेगनेंसी में, लेकिन उनको जो है उनका वेतन कोई भी राज्य सरकार जो है निर्वाचित सरकार जो है राज्य यहाँ का नाम से उनका वेतन नहीं काट सकती है। ये सारी चीजें के साथ साथ उनको मतलब प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने तक चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। जो कहने का मतलब कि इक्वल पुरुष और महिला को बाबा साहब ने अधिकारों से इक्वल कर दिया जो है।